ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और नित नए किस्म के भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश पहले नंबर में है। मुख्यमंत्री जी सर्वे में पीछे से पहले नंबर में है। अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है पूरे देश की, उसमें पहले नंबर में है। और नए किस्म का अपराध छत्तीसगढ़ में घटित हो रहे हैं। छोटी छोटी जगहों में महानगर की तर्ज पर अपराध घटित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि करप्शन के मामले में, अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहले नंबर पे आया है। खड़गे को जो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखती है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितना फायदा है और पूरे देश के लिहाज से कितना? देखिए, खड़गे का निर्वाचन, खड़गे जी का न देश के लिहाज से कोई फायदेमंद है और न छत्तीसगढ़ के लिहाज से कोई फायदा होना है। जिस पार्टी के वो अध्यक्ष बने हैं वो पार्टी डूबता हुआ जहाज है, लोग कूद कूद करके उससे भाग रहे हैं, और जो पार्टी डूबने के कागार पर है न उस पार्टी के अध्यक्ष का कोई भविष्य है न उस पार्टी का कोई भविष्य है। तो इसलिए खड़गे जी के विषय पर मैं समझता हूं बात करने का कोई औचित्य भी नहीं है। धन्यवाद। कांकेर बालोद का दौरा भी आपका किस प्रकार का दौरा? देखिए, कांकेर बालोद का दौरा तो निजी दौरा है। हमारे विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी जी का पिछले दिनों निधन हुआ था, हम उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, और बालोद में भी एक कार्यकर्ता के यहाँ उनके पिताजी का निधन हुआ था, उसमें हम जा रहे हैं शोक व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद। नहीं बोले ना हमको, हम आगे ले लेते, उधर बीचों की सीढ़ी में हो जाएगा। हाँ, चलो ना आगे अंदर ले लेंगे, साबित होंगे, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र तरीके से चुनाव होगा। ऐसा है, जिस आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था वो आदमी जवाबदारी से भाग रहा है, और वो पूरी जवाबदारी से हटके एक 80 साल के वयोवृद्ध जो अपने कार्यालय से कम निकलते हैं ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस जैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। भगवान मालिक है कांग्रेस का। देश के लोग वो तो पेपर में रोज ईडी और सीडी वाले बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, कौन मना कर रहा है? गोगोई लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, आप कितने सहमत हैं? कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का चुनाव। नहीं नहीं, चुनाव तो अच्छा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में क्या दिक्कत होगी, 8000 वोट एक को पड़े और 1000 वोट पड़े तो ठीक है, कोई गलत चुनाव नहीं हुआ। मगर चयन जिसका हुआ उसको बधाई देते हैं कि वयोवृद्ध को मौका मिला, अच्छी बात है। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। लगातार बैठकें चल रही है भाजपा में, आप इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, रणनीति विशेष तौर पर बन रही है 2023। संगठन के दृष्टि से पूरे एक एक विधानसभा को, वहाँ के कार्यकर्ताओं के, वहाँ के प्रभारी को, वहाँ की पूरी टीम को एक साथ तैयार करने की रणनीति है, और लगातार जामवाल साहब बैठ कर उन सबको प्रेरणा दे रहे हैं। आपको बता दें, रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों के साथ समितियों की बैठक हो रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक ले रहे हैं, चुनाव के मद्देनजर ये बैठक ली जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की बैठक की जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है, चुनाव के मद्देनजर दी जा रही हैं अहम जिम्मेदारियां। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ले रहे हैं बैठक, भाजपा में आगामी चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। आकांक्षा, बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है?
बिल्कुल देखिए 2023 चुनाव आगामी समय में है और जाहिर सी बात है तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी तैयारियां इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही है। यही तैयारियां भाजपा में भी हो रही है। आज दो महत्वपूर्ण बैठक दो अलग अलग पालियों में रखी गई। पहली पाली की बैठक जिसमें प्रदेश के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं इनके अलावा विधानसभा प्रभारी ये दो महत्वपूर्ण जो अंग है भाजपा की इनकी महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री स्वयं इस बैठक को ले रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और बैठक के माध्यम से आगामी जो चुनावी रणनीतियां हैं वो रणनीतियां तय की जा रही है। प्रभारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही है और अब जो दूसरी पाली की बैठक है यानी कि प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा जो भाजपा की ओर से बनाई गई है उन समिति के पदाधिकारियों की बैठक मुख्य रूप से इसमें चल रही है और ये भी बैठक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष विधायक सांसद ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं वे इस बैठक में शामिल हैं। मूल रूप से देखा जाए तो चुनावी रणनीतियां तो यहां पे बनाई ही जा रही है, इसके अलावा चुनाव के दौरान किस प्रकार से जो भाजपा का निचले वर्ग का कार्यकर्ता भी है वो कैसे कार्य करेगा, इसके अलावा जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं वो भी कैसे कार्य करेंगे, ऐसे तमाम तैयारियां इस बैठक के माध्यम से हमें देखने को भी मिल रही है और जानकारी भी हम लेंगे समझेंगे कि किस प्रकार से जो बैठकों का दौर है वो शुरू भी हुआ है। और हमारे साथ वरिष्ठ नेता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सच्चिदानंद उपासने जी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, समझेंगे बहुत कुछ बैठक हुई है, बहुत सारी तैयारियां बहुत सारी रणनीतियां इस बैठक के माध्यम से बनी है। मूल रूप से पहले पदाधिकारियों की बैठक रखी गई जिसमें जिला अध्यक्ष शामिल थे, प्रदेश के जो विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी थे वे भी शामिल थे, क्या रणनीति विशेष तौर पर बनती नजर आई? देखिए आज की बैठक मुख्य रूप से समीक्षा की बैठक थी। पूर्व में जो बैठक हुई थी उसमें जिस प्रकार से 90 विधानसभा के लिए 90 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की गई थी और उनको कहा गया था कि आप अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठनात्मक रूप से परिचय प्राप्त करें, संगठनात्मक रूप से मोर्चे जो शक्ति केंद्र हैं, बूथ केंद्र हैं, मंडल की इकाइयाँ हैं, वहाँ पर रहने वाले पदाधिकारी हैं, उन सब के साथ किस प्रकार से ये कागजी नहीं है या फिर उसको धरातल पर भी है उसका सत्यापन करें, इस प्रकार का काम दिया गया था और उसी की समीक्षा आज माननीय हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी और जी के समक्ष माननीय पवन साय जी ने, संगठन महामंत्री जी ने सभी से प्राप्त की कि कितनी बैठकें हुई, कितनी बार आप गए। पार्टी का दिशा निर्देश यह है कि कम से कम 10 दिन आपका प्रवास वहाँ पर होना चाहिए और उसमें आपको वहाँ पर रात्रि विश्राम भी करना है और सभी बूथों तक जो है तगड़ी व्यवस्था करनी है। जो पार्टी बूथ जीता देश जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस नारे को इस धरातल पर उतारने के लिए और जो टिप्स दिए गए हैं उन टिप्सों को आज भी फाइल के रूप में सभी को दिया गया है कि हमें अपने क्षेत्रों में जाकर क्या करना है, किस प्रकार के दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसका पालन करना है। इसीलिए आज की बैठक में जिलाध्यक्षों को नहीं बुलाया गया था, आज की बैठक में केवल विधानसभा के प्रभारी, संभागीय प्रभारी, जिलों के संगठन के प्रभारी सह प्रभारी और विधानसभा के संयोजक जो नियुक्त हुए हैं प्रभारी। कुछ नव नियुक्त जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए थे, उनकी भी कोई जवाबदारी रही होगी? जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं वो उनको पहले जो है किसी न किसी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था, उस अधिकार से उस दायित्व से आज उपस्थित थे, अब अगली बैठक में उनको नई जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरे नए विधानसभा के प्रभारी बनाए जाएंगे। जिनको एक जिम्मेदारी से नवाजा गया उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त करना, ये सामान्यतः जो भी जिलों के प्रभारी भी रहे होंगे उनको यदि संभाग का प्रभारी बनाया गया तो उनको जिलों के प्रभार से भी मुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से आज की कार्यवाही में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको काफ़ी व्यापक रूप से दिया गया है और व्यापक रूप से सबने अपनी अभी तक की जो कार्यवाही है उसको विस्तृत रूप से मंच के सामने, नेताओं के सामने रखा है, उसी आधार पर दिशा निर्देश जारी किया गया। एक सर्वे फाइल भी दिया गया है, आप भी जानकारी दे रहे हैं, जो क्षेत्रीय जो प्रभारीगण हैं वे सर्वे भी करेंगे उस क्षेत्र को लेकर के, चाहे वो जातिगत समीकरण को हो या फिर रोजगार, तो वो सर्वे किस प्रकार से होगा, क्या रणनीतियां हैं? देखिए माननीय जामवाल जी ने पिछली बैठकों में माननीय शिव प्रकाश जी ने और माननीय डी पुरंदेश्वरी जी ने जो बातें कही थी
उसको एक फाइल के रूप में जो है यहाँ के आईटी सेल ने दिया है, उसमें उस विधानसभा क्षेत्र का नक्शा है, उसमें कितने बूथ हैं, पहले उन बूथों की क्या हम कितने में जीते हैं, कितने में हम हारे हैं, कितने में हमारे कम वोट मिले हैं, ये सब है। जातिगत समीकरण भी उसमें कितने कितने हैं, इन सब बातों का उसमें दिया है। उसको उन सब को लेकर जो है वहाँ टीम के साथ बैठना, विधानसभा में टीम के साथ बैठना, बूथ मंडलों में बैठना, शक्ति केंद्रों में बैठना, और उस आधार पर उसको और चुस्त दुरुस्त करना, ये भाव से फाइलें दी गई हैं, ताकि विधानसभा प्रभारी जो है मूल सामान्यतः दूसरे दूसरे क्षेत्रों के हैं, उनको उस क्षेत्र की संगठनात्मक और जो चुनावी रणनीति है उससे कहीं ना कहीं वो भिज्ञ नहीं है, तो पूरी तरह से इस फाइल के माध्यम से उसकी जानकारी उनको हो जाएगी और उस अनुरूप जो है वे अपना काम वहाँ पर करने में सफल होंगे। दो प्रमुख बैठकें आज संचालित हो रही है, पहले जो पाली की बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है, दूसरी पाली की बैठक जिसमें दिग्गज नेतागण शामिल हुए हैं, इसमें ये भी बताया गया था कि जो समितियां गठित की गई थी धमतरी की बैठक में, उन समितियों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, इनके अलावा जो दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं, वो रणनीतियां किस प्रकार से रहेगी? देखिए, मूलतः जो आज पहली बैठक में जो दिशा निर्देश जो समीक्षा आई है, उस समीक्षा के आधार पर जो है इस बैठक में चूंकि संभागीय प्रभारियों को बैठाया गया है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बैठाया गया है, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को बैठाया गया है, और उन सबके हिसाब से जो अभी निष्कर्ष निकला है, उन निष्कर्षों के आधार पर आगामी रणनीति बनाने के, क्योंकि ये ऊपर की टीम है, जो नीचे अभी तक बैठक हुई है उसके ऊपर की टीम है, जो भी दिक्कतें आएगी उसको हल करने की जिम्मेदारी इस टीम पर होगी जो अभी बैठी है, तो निश्चित रूप से उनको दिशा निर्देश जो है माननीय जामवाल जी के द्वारा दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से इस प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों पर काम करना है, और अंतिम लक्ष्य यही है कि हम विजयश्री प्राप्त करें। बिल्कुल, विजयश्री भी प्राप्त करेंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वे लौट भी रहे हैं, बैठक में शामिल भी हुए थे, सांसद सरोज पांडे जी भी हैं, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, बैठक में आप शामिल हुई थी, किस प्रकार से रणनीतियां बनी, चर्चा अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे तो वो बताएंगे। आप बैठक से निकल रहे हैं, अभी बैठक चल रही है, क्या चर्चा किस प्रकार से हो रही है? सांगठनिक चर्चा वर्तमान में हो रही है, और हम समझने की भी यही कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से जो चर्चाएं हैं वर्तमान में संचालित हो रही है, क्योंकि देखिए बैठक अभी भी चल रही है, भाजपा की तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, जाहिर सी बात है प्रदेश में चुनाव को लेकर के अहम रणनीतियां यहाँ पे बनती नजर आ रही है, अहम रणनीतियां चुनावी दौर पर किस प्रकार से संचालित होगी इसे भी लेकर के ये बैठक जो है वो चल रही है, और हम लगातार जानकारी लेने की भी कोशिश कर रहे थे। दिग्गज नेता हमारे साथ सचिदानंद जी मौजूद हैं, और ये जो 2023 मिशन, इस मिशन को लेकर के भी चर्चा हो रही है, आप बता भी रहे हैं कि चुनाव की तैयारी के अनुरूप एजेंडे वर्तमान में बनाए जा रहे हैं, ये एजेंडे कितने कारगर साबित हो सकते हैं आगामी समय के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, हम ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही हम लोग जाग जाते हैं, पूरे समय हमारा कार्यकर्ता बूथों पर काम करता है, शक्ति केंद्रों पर काम करता है, मंडल में काम करता है, तो स्वाभाविक रूप से अभी उसको थोड़ा सा सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, और वो सक्रियता प्रदान करने के लिए जो है इस प्रकार की कवायद चल रही है, और इसके परिणाम अच्छे आएंगे, इस दृष्टि से जो है सारे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न प्रांतों में आज सरकारें बनी हैं, वहाँ भी जिस प्रकार से संगठनात्मक रूप से तैयारियां की गई थी, उन तैयारियों के परिणाम जो है आज भारतीय जनता पार्टी को अनेक राज्यों में प्राप्त हुए हैं, वो गुर जो है, जो गुर है उस गुर को ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए ये दिशा निर्देश संगठनात्मक रूप से दिए जा रहे हैं, और ये मानकर कि ये जो टीम बनी है उनको स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो विधानसभा के प्रभारी हैं उनको ये कहा गया है, यदि आपके मन में थोड़ा भी कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की तमन्ना है तो आप बेशक बोल सकते हैं, इससे आप मुक्त हो सकते हैं, और अपने जो आपका आगामी लक्ष्य है उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, इसमें पार्टी को कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि काम के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए, मन में धोबा हो लेकर काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के काम को नुकसान पहुंचता है, इसलिए एक लक्ष्य लेकर चलना है कि आपके नेतृत्व में वहां पर सब प्रकार की गतिविधियां चलेगी, आप उस विधानसभा के मुखिया के बतौर काम करेंगे, उस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को आप निराकरण करने की दिशा में आप एक डॉक्टर की भूमिका वहां पर अदा करेंगे, तो निश्चित रूप से आज यही बताया गया है कि आप पूरी तरह से लगातार प्रवास करें, वहाँ के आंदोलनात्मक रूपरेखा तैयार करें, सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए उस क्षेत्र में क्या क्या सरकार की नाकामियां हैं उसको उजागर करें, उन सब बातों को लेकर जो है
जो आपने कहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये ऐसी सब बातें जो राजनीति में सामान्यतः होती हैं, जो सत्ता के खिलाफ वातावरण जनता में बनता है, उसका भरपूर लाभ विपक्ष को मिले। और यही कारण है कि जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, वहाँ पर कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करके, चाहे वो माननीय मोदी जी की जब सरकार पहली बार बनी 2014 में, उस समय कांग्रेस का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, कांग्रेस में सब प्रकार का भाई भतीजावाद चरम सीमा पर था, कांग्रेस में घोटालों की एक प्रकार से संख्या बड़ी मात्रा में थी, उन सबको हमने उजागर किया, जिसके कारण आज मोदी जी के नेतृत्व में हम दूसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। तो सामान्यतः छत्तीसगढ़ की ये 5 साल की होने वाली सरकार जो है अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ईडी और दिगर जो एजेंसियां हैं उसको लेकर ये भयभीत इसलिए हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनके मन में भय है वही भयभीत रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने सकल कर्म किए हैं उनको लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे चुनाव जितना नज़दीक आते जा रहा है और इन 4 वर्षों में जिस प्रकार की काली कमाई हम लोगों ने की है वो मतदाताओं के सामने आ रही है, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो वास्तविक में है वही जनता के सामने आ रहा है। इस कारण से निश्चित रूप से इन सब बातों को उजागर करने अभी 11 नवंबर को जो महिला मोर्चे का प्रदर्शन है शराब नीति को लेकर, महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इस प्रदेश में, उन सब बातों को लेकर व्यापक रूप से 1 लाख नारी शक्ति जब सड़कों पर आएगी, जैसे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर आए थे, उस प्रकार से जो नारी शक्ति जो सड़कों पर आएगी तो स्वाभाविक रूप से एक शंखनाद जो है महिला वर्ग भी करेगी। बिल्कुल, शंखनाद महिला वर्ग भी करेंगे। एक जानकारी आपसे और ये भी चाहिए थी, समितियां गठित की गई है, बीते दिनों धमतरी में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, उस बैठक में समितियां अलग अलग लगभग 10 से अधिक समितियां गठित की गई है, चाहे वो पीएम आवास को लेकर के हो, खाद्यान्न की योजना को लेकर के हो, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को उजागर करने को लेकर के भी कई समितियां गठित की गई है, वो समितियां किस प्रकार से फिर कार्य करेगी, उन्हें जिम्मेदारियां कैसे? नहीं, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मान लो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है और इस सरकार ने यदि गांव-गांव में उन प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृत सूची के अनुसार आवास नहीं बनाए हैं, बेरोजगारों को जो 2500 रुपये भत्ता दिया जाना चाहिए था बेरोजगारी भत्ता वो नहीं दिया है, शराब के मामले में गंगा जल हाथ में लेकर जो कसम खाई थी उसके विपरीत ये सरकार काम कर रही है, तो इन सब बातों को उजागर करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से इसको उजागर किया जाए और उसके अनुरूप जो है आंदोलन भी खड़े किए जाएँ, इस दृष्टि से जिम्मेदारियाँ दी गई है। उन जिम्मेदारियों के बाद अब भाजपा आगामी चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है ये मान लिया जाए? पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, कोई आज हम तैयार ऐसे नहीं, अभी चुनाव हो जाए तो ये सरकार बुरी तरह से पराजित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लबारी मारने वाली पार्टी नहीं है, झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है कि झूठ बोलकर सत्ता हथिया लें, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाकर सत्ता हथिया लें, हम जो कहते हैं हम करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये हमारा मूल मंत्र है, उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को जो सुविधाएं मिल रही है, जो नहीं मिली उसको उजागर करेंगे, जो मिली है उनको सम्मान करेंगे और मोदी जी की तस्वीर उनके घर में लगाएंगे। बिल्कुल, तो तस्वीर घर घर में मोदी कार्यकाल की लगेगी और सीधे तौर पर कहना भी रहा यहाँ पे, जो रणनीतियाँ इस दौरान चुनाव के मद्देनजर बनाई जा रही है, ये रणनीतियाँ आगामी चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है ये जरूर हम देखेंगे, लेकिन वर्तमान में तमाम पदाधिकारियों को काफी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है, क्षेत्र में विशेष तौर पर सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इतना ही नहीं जातिगत समीकरण आधार पर भी सर्वे किया जाए, रोजगार के क्षेत्र में हर एज वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग के मद्देनजर हो, महिला वर्ग के मद्देनजर हो, इनके लिए भी सर्वे किया जाए और सर्वे में आंकड़े यहाँ पे अब भाजपा निकालने की तैयारी कर रही है, इन आंकड़ों को आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान उपयोग किया जाएगा, उपयोग इसलिए भी क्योंकि चुनाव के दौरान काफी अहम रणनीतियां बनती है, चाहे वो रोजगार मिलने को लेकर के हो या इसके अलावा चुनाव के दौरान चाहे महिला वर्ग को योजनाओं के लाभ मिलने को लेकर के हो, इस प्रकार की विभिन्न योजनाएं जो वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से संचालित हो रही है उन योजनाओं का लाभ जिन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसे आंकड़े भी अब भाजपा के जो पदाधिकारी गण हैं कार्यकर्ता गण हैं वो खंगालेंगे और खंगालने के बाद एक फिर से बड़ी रणनीति भाजपा की बनती नजर आएगी जो सीधे चुनाव को जोड़ती हुई रणनीति होगी, चुनाव के समय में एक अहम रणनीति के साथ अब भाजपा पूर्ण रूप से उतरने को तैयार हो रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका। आपको बता दें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक ले रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।